हमारी धरती के साथ साथ हमारा आसमान भी कई रहस्यों से भरा हुआ है। कभी कभार तो ये रहस्य इतने अजीब होते हैं कि किसी डरावने सपने से कम नहीं लगते। आज हम आपको आसमान के ऐसे ही अजीब और डरावने रहस्यों के बारे में बताएंगे जो किसी पहेली से कम नहीं। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं हैंड्स इन द स्काई। सबसे पहले बात करते हैं साल 2009 की, जब टेक्सास के एक आदमी को आसमान में कुछ अजीब सा दिखाई दिया, जिसमें बादलों से बनी दो हाथों की आकृति थी जिससे सूरज की किरणें आ रही थी, मानो वो अंधकार को चीरकर रोशनी की एक नई उम्मीद हो। जहां इसे देखकर कुछ लोगों का मानना था कि ये एक संकेत है कि अब बुरा होने वाला है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ये ईश्वर के हाथ हैं जो एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। स्पाइरल। उत्तरी नॉर्वे और स्वीडन के लोगों ने दिसंबर 2009 में एक बड़ी नीले भूरे रंग की रोशनी देखी जो आसमान में एक स्पाइरल की तरह आकृति बना रही थी। इस रहस्यमय लाइट से बने स्पाइरल की लोगों ने फोटो खींची और वीडियो भी बनाया। वहां के स्थानीय लोगों का कहना था कि ऐसा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स या मिलिट्री एक्टिविटीज के कारण हुआ था। बाद में रूस के रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया कि ये एक असफल मिसाइल परीक्षण के कारण हो सकता है। रेड क्लाउड्स। ब्राजील के ग्रामीण इलाके के निवासियों ने 2014 में कुछ अजीब आवाजें सुनी और जब वो इसके बारे में जानने के लिए अपने घरों के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आकाश का एक हिस्सा लाल रंग में रंगा हुआ था और धीरे धीरे बदलकर बैंगनी हो रहा था। किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब विशेषज्ञों ने वहां के निवासियों द्वारा बनाई गई वीडियो देखी तो कहा कि ये असली वीडियो है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया कि उस रात आसमान लाल क्यों हुआ था। द हेस्डलेन लाइट्स। हेस्डलेन लाइट्स को 1930 या 1940 में नॉर्वे की घाटी में देखा गया। ये रंगीन रोशनी लाल, नीले, हरे, नारंगी और पीले रंग की दिखाई दे रही थी। इस लाइट को आप हर साल घाटी के आसमान में कई बार देख सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि ये हेस्डलेन लाइट्स कहां से आती है और क्यों दिखाई देती है। फ्लोटिंग सिटी। अक्टूबर 2015 में चीन में एक वीडियो लिया गया जिसमें एक शहर के ऊपर एक और शहर को तैरते हुए दिखाया गया, जिसे लोग फ्लोटिंग सिटी कहने लगे। इसे देखकर ऐसा लगता था मानो ये फ्लोटिंग सिटी बादलों पर बनी हो। हालांकि ये सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही दिखाई दी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक वायुमंडलीय मिराज था जो उस समय बादलों के बीच बना होगा, जिससे सब लोग बादलों का शहर मानने लगे थे। ट्रायंगुलर यूएफओ। ब्राजील के डेनिस डेको ने 2015 में साओ पाओलो में मोगी दास क्रूज के ऊपर उड़ने वाली एक अजीब चीज देखी, जिसका उन्होंने अपने निकॉन कैमरे से जूम करके एक वीडियो भी बनाया, जिसमें एक ट्रायंगुलर यूएफओ दिखाई दे रहा था जो एक पिरामिड की तरह था। वहां मौजूद कुछ लोगों का कहना था कि ये कोई आर्मी जेट हो सकता था। हालांकि कई लोगों ने इसे एलियन स्पेसक्राफ्ट होने की बात कही। फ्लाइंग घोस्ट। अब हम आपको 2017 की जाम्बिया की एक घटना के बारे में बताते हैं, जहां लोगों ने कुछ दुकानों के ऊपर उड़ने वाले भूत को देखा था। ये भूत हैरी पॉटर की फिल्मों से एक डिमेंटर जैसा दिखता और लगभग 300 फीट से ज्यादा लंबा था। पहले लोगों को लगा कि ये बस बादलों के हवा में उड़ने से बनने वाली एक अजीब आकृति है, लेकिन बहुत देर तक ये आसमान में ऐसे ही उड़ता रहा तो लोगों को यकीन हो गया कि ये एक फ्लाइंग घोस्ट ही है। इस पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी की, लेकिन वो इस बात का पता लगाने में असफल रहे कि आसमान में फ्लाइंग घोस्ट वाली आकृति आखिर थी क्या। ब्लैक रिंग। 2014 में वार्विक कैसल के पास 16 साल की जॉर्जिना हीप जब अपनी माँ के साथ टेनिस खेल रही थी तो उसने आसमान में एक ब्लैक सर्कल देखा। जॉर्जिना ने अपनी माँ के आईफोन से इसका एक वीडियो बनाया। ये सर्कल 3 मिनट या उससे भी कम समय में गायब भी हो गया। बाद में जांच करने पर वार्विक कैसल के कर्मचारियों ने माना कि ये उस समय आतिशबाजी का परीक्षण कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि ये ब्लैक सर्कल कब और कैसे बना। स्काई टेंटिकल्स। 2015 में ओक्लाहोमा के हाईवे पर बादलों के बीच एक अजीब टेंटिकल्स के जाल की तरह कुछ दिखाई देने लगा। इसके 2 दिन बाद ही यहाँ भयंकर तूफान भी आया जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि ये टेंटिकल्स आने वाले खतरनाक मंजर का संकेत थे। स्ट्रेंज स्काई नोइजेस। 2014 में टेक्सास की एक महिला ने आसमान में आने वाली अजीब सी आवाजों को रिकॉर्ड किया। ये आवाज ढिंढोर से निकलने वाली ध्वनि की तरह थी। कई लोगों का मानना था कि ये ईसा मसीह के आने का एक संकेत था।
लेकिन नासा ने दावा किया कि ये पृथ्वी की बैकग्राउंड साउंड थी। हालांकि बहुत से लोग अभी भी यही मानते हैं कि ये आवाज एलियंस के स्पेसशिप से आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।